गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम हिंदी लिटरेचर में पार्ट सेवन का नाम है पत्र पढ़ेंगे। ओके बच्चों, ठीक है बच्चों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके शब्दार्थ करेंगे। क्या करेंगे? शब्दार्थ। तो शब्दार्थ मैंने कॉपी पर लिख लिए हैं, ठीक है। तो मैं आपको पढ़ के समझा देती हूँ, ठीक है बच्चों। ये बच्चों मैंने लिख रखा है, देखिए पार्ट सेवन पत्र, ठीक है। शब्दार्थ, शब्दार्थ होते हैं शब्द के अर्थ। तो यहां मैंने शब्द दे दिया है, कौन सा? सकुशल। सकुशल मतलब ठीक, सकुशल मतलब ठीक। नेक्स्ट है दर्शनीय। दर्शनीय मतलब देखने योग्य। क्या है? देखने योग्य, जैसे कोई जगह क्या है, देखने योग्य है। तो दर्शनीय मीन्स देखने योग्य। नेक्स्ट है स्थल। स्थल मतलब स्थान, स्थान जगह। स्थल को स्थान कहते हैं, जगह कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नौका विहार। नौका विहार मतलब नाव में बैठकर घूमना। नाव में बैठकर घूमते हैं मतलब नाव में बैठकर सैर करते हैं। तो नौका विहार मतलब नाव में बैठकर घूमना। नेक्स्ट है स्पर्श। स्पर्श मतलब छूना। स्पर्श मतलब छूना। एक बार रिपीट करवा देती हूँ, सकुशल मतलब ठीक, दर्शनीय देखने योग्य, स्थल स्थान, नौका विहार नाव में बैठकर घूमना, स्पर्श छूना। ये हो गए आपके शब्दार्थ। तो मैंने कॉपी पर लिख रखे हैं, ऐसी आप सभी बच्चों को ये वर्ब कॉपी पे करना है। ओके बच्चों, शब्दार्थ आपको नोटबुक में करना है। तो हम इसका चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चलिए बुक खोल लीजिए, बुक में पेज नंबर 34 निकाल लीजिए। पार्ट सेवन पत्र। पत्र क्या होता है? पत्र हम लिखते हैं। पत्र हम किसे लिखते हैं? रिश्तेदारों को लिखते हैं। यदि हम कहीं बाहर रहते हैं तो हम पत्र के जरिए अपने बारे में अपने घर वालों को बताते हैं कि हम कैसे हैं, वहां पर अच्छे हैं बुरे हैं जैसे भी हैं। तो हम अपने रिश्तेदारों को, अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों को बताते हैं, ठीक है। तो चैप्टर में क्या दे रखा है? एक पत्र दे रखा है जो एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को लिखा है और अपने बारे में बताया है। तो देखिए पहले नंबर पर आपको एक्सरसाइज दे रखी है। तो एक्सरसाइज क्या है देखिए, आप ग्रीष्म कालीन अवकाश में कहाँ जाना चाहेंगे? ग्रीष्म कालीन मतलब गर्मियों की छुट्टियों में आप कहाँ जाना पसंद करते हैं? तो उस पर क्या लगाना है? सही उत्तर पर सही लगाइए, मतलब सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। यहाँ पर आपको पिक्चर्स दे रखी हैं। तो पिक्चर्स में क्या क्या दिया है देखिए, पिक्चर्स में किस किस की पिक्चर्स दे रखी हैं। तो पहला है नानी के घर, पहाड़ी क्षेत्र मतलब पहाड़ी जगह, यहाँ पर पहाड़ होते हैं। धार्मिक स्थल मतलब जहाँ हम दर्शन करने जाते हैं। दर्शन करने मतलब मंदिरों में हम दर्शन करने जाते हैं छुट्टियों में, तो वो है धार्मिक स्थल। गांव, जैसे कोई अपने घर गांव कहीं मतलब कहीं रहता है, उसका घर कहाँ पर है? गांव में है। कोई इंसान बाहर रहता है, ठीक है, और उसका घर गांव में है, तो वो गर्मियों की छुट्टियों में गांव में ही तो जाएगा। जैसे आप कहाँ जाना पसंद करेंगे गर्मियों की छुट्टियों में? तो आप उस पर टिक लगा दीजिएगा, मैं तो जाना पसंद करूंगी पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र मुझे जाना पसंद है गर्मियों की छुट्टियों में, तो मैं इस पर सही का चिन्ह लगाऊंगी। आपको जहाँ जाना पसंद होगा तो आप उस पर लगा दीजिएगा। ओके बच्चों, आगे देखिए क्या है का स्थान। स्थान कौन सा है? दिल्ली। स्थान मतलब जगह, जगह कौन सी है? दिल्ली है। तो यहाँ दिल्ली की बात हो रखी है, हो रही है, ठीक है बच्चों। तो दिनांक कौन सी डेट है? 26/6/20। ओके बच्चों, फिर आगे है प्रिय मित्र मंथन। तो यहाँ पर किसको पत्र लिखा जा रहा है? मंथन को। और कौन लिख रहा है? वो लिख रहा है अंकित। अंकित किसको पत्र लिख रहा है? मंथन को, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। मैं सकुशल हूँ,
मैं सकुशल हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी सकुशल होगे। कौन बोल रहा है ये? अंकित। अंकित बोल रहा है सकुशल मतलब ठीक, सकुशल मतलब ठीक। अंकित बोल रहा है मंथन से कि मैं सकुशल हूँ, ठीक हूँ, और तुम भी ठीक होगे। सकुशल होगे मतलब ठीक होगे। वो अपने फ्रेंड से बोल रहा है, यह पत्र मैं अपनी मौसी जी के घर से लिख रहा हूँ। यह पत्र मैं कहाँ से लिख रहा हूँ? अपनी मौसी जी के घर से लिख रहा हूँ। तो कौन लिख रहा है पत्र? अंकित। और कहाँ से लिख रहा है? मौसी जी के यहाँ से। अब देखिए आगे, मेरी मौसी जी दिल्ली में रहती हैं। मेरी मौसी जी कहाँ रहती हैं? किसकी मौसी जी रहती हैं? अंकित की। और कहाँ रहती हैं? दिल्ली में। तो वो कहाँ से पत्र लिख रहा था? दिल्ली से, अपनी मौसी जी के घर से। आगे है, इस बार मैं गर्मियों की छुट्टियों में अपने माता पिता के साथ दिल्ली आया हूँ। और अंकित बोल रहा है कि इस बार मैं गर्मियों की छुट्टियों में अपने माता पिता के साथ कहाँ आया हूँ? दिल्ली आया हूँ, अपनी मौसी जी के यहाँ। चलिए आगे क्या है वो देख लीजिए। आओ मैं तुम्हें दिल्ली के विषय में बताता हूँ। आओ मैं तुम्हें किसके विषय में बताता हूँ? दिल्ली के विषय में, मतलब दिल्ली कैसा है। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। कौन बताता है? अंकित मंथन को। दिल्ली भारत देश की राजधानी है। दिल्ली क्या है? भारत देश की राजधानी। भारत हमारा देश है, उसकी राजधानी क्या है बच्चों? दिल्ली। तो भारत की राजधानी कौन सी है? दिल्ली है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, यह देश के चार महानगरों में से, आगे आ जाइए, आगे आगे इस पेज पर आ जाइए, है ना, है। यह देश के चार महानगरों में से एक है। क्या है? चार महानगरों में से एक दिल्ली। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे क्या है। यह यमुना नदी के किनारे बसी है। ये कहाँ बसी है? यमुना नदी के किनारे। दिल्ली कहाँ बसी है? यमुना नदी के किनारे। अब आगे देखिए, दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। मतलब दर्शनीय स्थल कौन से होते हैं? दर्शनीय स्थल होते हैं देखने योग्य। कौन से स्थल होते हैं? देखने योग्य। कौन कौन से? जिनमें से मैं जंतर मंतर, कुतुब मीनार, लाल किला, इंडिया गेट और अक्षरधाम मंदिर देख चुका हूँ। और उसने दर्शनीय स्थल कौन कौन से देख लिए? जंतर मंतर, कुतुब मीनार, लाल किला, इंडिया गेट और अक्षरधाम मंदिर। किसने देख लिए? अंकित ने। तो वो अपने दोस्त को बता रहा है, ये सारे मैंने दर्शनीय स्थल मतलब देखने योग्य स्थल मैंने देख लिए। आगे देखिए, मैंने चिड़ियाघर भी देख लिया। मैंने क्या देख लिया? चिड़ियाघर। उसने और क्या देखा बेटा? चिड़ियाघर देखा। चिड़ियाघर तो सबको पता है क्या होता है? जहाँ पर पशु पक्षी रहते हैं। आगे देखिए, आगे दिया इसके बारे में, चिड़ियाघर में अनेक प्रकार के पशु पक्षी थे। तो चिड़ियाघर में क्या होता है? पशु पक्षी होते हैं। और वो वहाँ अनेक प्रकार के पशु पक्षी थे। चिड़ियाघर में अनेक प्रकार के, अलग अलग प्रकार के पशु पक्षी थे। आगे देखिए क्या है, मैंने वहाँ नौका विहार भी किया। नौका विहार क्या होता है बच्चों? नाव में बैठकर घूमना। नौका विहार होता है नाव में बैठकर हम सैर करते हैं। तो उसने वहाँ पर वो भी किया। कहाँ पर किया नौका विहार? चिड़ियाघर में। आगे देखिए क्या है, मुझे नौका विहार करना बहुत अच्छा लगा। उसे नौका विहार करना बहुत अच्छा लगा। आगे देखिए, अवसर मिलने पर तुम भी अवश्य दिल्ली घूमने आना। वो अपने दोस्त से कह रहा है कि मौका तुम्हें मिले, मतलब अवसर मिले कभी भी, तो दिल्ली घूमने तुम जरूर आना। अंकित किससे बोल रहा है? मंथन से। आगे देखिए, अच्छा अब मैं पत्र समाप्त करता हूँ। उसका पत्र समाप्त हो गया, उसने सब कुछ बता दिया।
अब देखिए आगे देखिए, सभी बड़ों को चरण स्पर्श, बड़ों को चरण स्पर्श और क्या है, छोटों को, और बच्चों क्या है यहाँ पर, छोटों को प्यार। तो चरण स्पर्श क्या होते हैं, पैर छूना, चरण मतलब पैर और स्पर्श मतलब छूना। तो लास्ट में पत्र के क्या लिखते हैं, सभी बड़ों को चरण स्पर्श और छोटों को प्यार। तो ये पत्र कंप्लीट हो चुका। अभी यहाँ देखिए लास्ट में और क्या दे रखा है, तुम्हारा मित्र अंकित। तो कौन लिख रहा था ये पत्र, अंकित लिख रहा था अपने दोस्त मंथन को। तो उसने अपने बारे में सब कुछ पत्र में लिख दिया था। ओके बच्चों, आप सबको समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ ओरल क्वेश्चन दे रखे हैं, तो देखिए बोलकर इसका उत्तर देना है। तो देखिए पहले वाले पेज पर आ जाइए, 34 पेज पे, पहले उसके दे देते हैं। दिए हैं बोल, प्रश्नों के उत्तर बोलकर, यहाँ प्रश्नों के उत्तर बोलकर देने हैं। तो देखिए, मौसी जी कहाँ रहती थी, मौसी जी दिल्ली में रहती थी। क्यों बच्चों, कहाँ रहती थी, दिल्ली में। आगे देखिए, भारत की राजधानी का नाम क्या है, भारत की राजधानी का नाम दिल्ली है। दिल्ली है ना बच्चों, भारत की कैपिटल क्या है, दिल्ली। अब नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं, 35 पेज पे, उसके दे देते हैं। क्यों बच्चों, ठीक है ना। दिल्ली किस नदी के किनारे बसी हुई है, किस नदी के किनारे बसी हुई है, क्यों पाखी, आपको पता है इसका आंसर, क्यों प्रेक्षा, आपको पता है। चलिए मैं बताती हूँ सभी बच्चों को, क्या है इसका आंसर, इसका आंसर है यमुना नदी के किनारे। क्या है, यमुना नदी के किनारे। ओके, आगे देखिए, अंकित ने नौका विहार कहाँ किया। चलिए बच्चों संस्कार बताइए, अंकित ने नौका विहार कहाँ किया, क्यों देवघर, आप बताइए। शानवी, चलिए आप बताइए। ओके चलिए मैं बता देती हूँ, अंकित ने नौका विहार चिड़ियाघर का किया था। सही है ना बच्चों, है ना। तो चलिए आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप सभी को अच्छी से रीडिंग लगानी है, रीडिंग आपको करनी आ जाए, तो अच्छे से सभी बच्चे लगाया करिए रीडिंग। ओके बेटा, टिल देन, बाय बाय।